यार आज 12 मार्च हो गई है, यही बात है। कर्फ्यू के कितने दिन हो गए? ऑलमोस्ट 35-40 डेज। पहले कैलकुलेट कर ले तू। यार अभी साफ किया है तो रिजल्ट ये निकला है कि 22 जनवरी को इसका आउटब्रेक आया था, मतलब कर्फ्यू लगा था, तो 22 से 22 फरवरी 30 दिन, फिर 8 डालो महीना पूरा, और फिर ये 12 आज के डाल लो, तो कितने हो गए? 50। हाँ इतने ही 50 दिन हो गए हैं। तो यार यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो अब सीन ऐसा है कि मैंने इस कर्फ्यू के दौरान ही चैनल बना दिया, ठीक है भाई। अब चैनल तो बना दिया, लेकिन मसला ये हो गया कि अब मैं आपको व्लॉग्स कहाँ से दूँ? डेली बंद है सारे हालात, सब मामलात बंद है। तो खैर पीछे 2 वीक से कुछ ऐसा हुआ कि जो आम स्टूडेंट्स इधर मौजूद थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को इन्होंने एज ए वॉलंटियर ना ड्यूटी पे सिलेक्ट किया, मतलब मुख्तलिफ शिफ्ट से। अब कुछ एक बच्चा है वो सुबह 10 बजे से दिन 2 तक इधर ड्यूटी करेगा, मैं बताता हूँ ड्यूटी के आगे आता हूँ, वेट करो। फिर दूसरी होगी सेकंड शिफ्ट 2 से रात 7 तक, शाम 7 तक। फिर तीसरी होगी 7 से 10 तक। तो जो अभी वाली है वो मेरी थी 2 से 7 तक, लेकिन अब ये मेरा क्लास फेलो ये माद अक्रम, ये उधर ऐसे ही फ्री बैठा हुआ था, तो इसको मैंने कंपनी के लिए ऐसे ही बुला लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ड्यूटी का क्या सीन है। ये आप देख रहे हैं टेबल, सही है, ये पड़े हुए कागजात, ओके हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे 4 बेचेस हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 बेचेस की स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। उसमें ये कि हर स्टूडेंट को उसका नंबर अलाट हुआ है। तो अब फिर ये कि जैसे ही कोई स्टूडेंट आएगा, ये इंस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है, इससे टेम्परेचर उसका डिटेक्ट करके रिकॉर्ड करना है। तो अभी मतलब आप देख लेंगे, आप देखें जैसे ये स्टूडेंट आया, ये अभी इसका टेम्परेचर ऐसे चेक होगा, और ये कितना है, 36.8। तो अली भाई आपका नंबर क्या है? 23। और ये 2016 के बैच में से हैं, तो नहीं 23 वो रहा, हाँ। अब ये 23, ये शाह इक्तदार अली, ये इनका अब यहाँ पे डिटेल है। तो यहाँ पे 3 12, हम दोबारा इस जगह पे डेट होती है, इस जगह पे टाइम होता है कि किस टाइम, और आगे टेम्परेचर, फिर ये रिटर्निंग का आगे इसी तरीके अब सवाल जाता है। नहीं नहीं अभी जैसे ये लिखा है डन हो गया, यू आर ओके। पीछे का जितना एरिया है ये सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, मतलब दरिया के उस तरफ टीचर्स और इस तरफ हम लोग। तो ये यार इन बेचारों की बड़ी हिम्मत है, ये जब से आए तो हमारे साथ जो है ना, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं सारे टीचर्स। तो ये पीछे आ गया राशन पानी, ये सारा ये लाते हैं टीचर्स हमारे बाहर सुपरमार्केट से, जिसको जो चीज़ चाहिए वो लिस्ट दे देता है चांगलोशु को। तो ये ले आती हैं सामान, सामान लाने के बाद ये लेती हैं पैसे, पैसे इनको दो और सामान अपना ले जाओ। नहीं हाउ लॉश ब्लॉग 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 यूट्यूब मेकिंग व्लॉग फॉर माय YouTube. I will promote it on my social media. That my beloved teachers are so helping. They are caring for us. Podcast. Yes, Laushi, podcast. No. Oh, yaar, jaan dena. Laushi, this is the kind of vlog, not a podcast. Not podcast. Not podcast. What do you call? Vlog. 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 Video making, Laushi. I will post this video on my social media. So my Pakistani people will watch this and they will see what's happening in this university.
their teachers are cooperating with their dear students. That's it. How about? So some people pay for you. When you do this. No, Laoshi, no one is gonna pay me. पूछ लें अब ये मुझे कह रही हैं कि तुम्हें वहाँ से लोग पैसे दे रहे हैं। अब Laoshi. But in China, some people do like this. It's always some people pay for him. No, Laoshi. Maybe I will earn after 1 year, because I don't have required watch time on my YouTube channel. तो भाई अब Laoshi भी कह रही है पैसे कमाओगे तो लिहाजा आप सपोर्ट करो यार टाइम वगैरह दो. अच्छा खैर ये काफ़ी लंबा हो गया. अब मैं आपको पीछे सामान का दिखा देता हूँ. अच्छे वाला शॉट आ हमें तो ये आउट ऑफ सिलेबस आया ये बंदा ये अब ये कह रहा है कि मेरे साथ खाना लेने चलो नीचे क्योंकि पाँच से साढ़े छः तक जो है ना खाने का टाइम भी होता है कैंटीन से जो फ्री मील मिलता है फ्री मील वो लेते हैं फिर जाके. अब फ्री में मतलब मैंने कहा बैठा हुआ है वो जबकि ड्यूटी मेरी है लेकिन उसको मैंने बैठा दिया एक हाथ को मैंने बैठा दिया है दूसरे हाथ को मैं लेके जा रहा हूँ. यार ये जो कैंटीन वाला सीन था ये सारा आउट ऑफ सिलेबस था. मतलब ऐसा कोई मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं आज खाना मतलब कैंटीन का भी बनाऊंगा लेकिन चलें ये बीच में आ गया. तो असल मकसद जो था वो मतलब आपने देख लिया सारा बना दिया है. तो अब यही है कि खुल जाए एक बार यूनिवर्सिटी तो प्रॉपर व्लॉगिंग हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा. मतलब अलबत्त ये है कि इस दौरान में भी मैं आपको अपने मतलब हॉस्टल लाइफ के बारे में बता सकता हूँ डॉर्म के बारे में बता सकता हूँ रूम के बारे में बता सकता हूँ लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता जब तक ये सारा सीन ओपन नहीं होता है. तो यार इस बार राइड की बारी मेरी है. तो खैर मैं क्या कह रहा था क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था हाँ कि मतलब व्लॉगिंग करूँगा डेली लेकिन तब जब सब नॉर्मल हो गया जब हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई तो ठीक है. तो तब तक ये कि इसी तरीके फर्दर कोई आते रहेंगे जब कोई ऐसा सीन हो गया तो इंशाल्लाह कोई एक अदद या दो अदद ब्लॉग आ जाएंगे. बाकी ये कि तब तक इजाज़त दें फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मिलते हैं ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करेंगे और मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि ये एंडिंग होगी. बाय बाय. बात ये है कि अब आ मैं गया हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे. अब यहाँ पे हम खाना खाएंगे. जिन्होंने हमसे ऑर्डर मंगवाया जिसने थपा मंगाया वो करे वेट. हम तो भाई खाएंगे. हमारा क्या होता है क्या होता है नहीं नहीं हमारा वो हमारी मर्जी हमारा खाना उनका खाना हमारी मर्जी. ओके.